किसी ने क्या खूब कहा है, लोग क्या कहेंगे, हम यह सोचकर जीते हैं। पर क्या कभी हमने विचार किया है कि भगवान क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन संघर्ष पर आधारित प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये दो पत्थरों की कहानी है जो हमें सफलता के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दो पत्थरों की कहानी। नदी और पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद दोनों ही किनारों पर पहुंचे असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था, गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के। इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में बातचीत होने लगे। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोलमटोल, चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। इनमें से पेटोल खुदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर भी तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों, जबकि मैं नहीं? यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है, शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता व घिसता रहा। ना जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है, तो कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हमेशा ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से किनारे पड़ा रहूं, पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में ये तो मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो, तुम्हें अभी और संघर्ष करना है, और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप न हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज हम चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, संघर्ष करना मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद मत करिए। हमें बहुत बार लगेगा कि हमारे प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब हम ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक पाएगी। सफल होने की आदत बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आपकी आदत अच्छी बनती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।